बात करके 5 घंटे बिठाए मेरे को, 5 घंटे, 5 घंटे भी कहा, साढ़े मैं 8 बजे क्लिनिक को गया, 6 घंटे, 6 साढ़े 6 घंटे बिठाए। डिपार्टमेंट क्या आपको लेकर केस होती है, जितना टाइम होता है फिर उनका केस क्या हुआ, कोई केस ही नहीं है। फिर तो पब्लिक एक घर में दो भाई लड़ लेते हैं, दो भाई कुछ भी बहस कर लेते हैं, कोई जाके कोई पुलिस में ना कंप्लेन करे, ना इम्तियाज करे, ना मन्नान कंप्लेन करा, चलो कंप्लेन करा, कोई पेंडिंग केस है, पुलिस आज एक्शन ले रही बोले तो अलग बात है, किसी किस्म का कोई केस ही नहीं है। सोमोटो बुक कर रही पुलिस, और पुलिस को अख्तियार होगा, हमको भी अख्तियार है, ज्यूडिशियरी है, हम अदालत से रुजू होंगे इंशाल्लाह ताला, जो भी अल्लाह जो फैसला करना है अल्लाह में हक का फैसला करेंगे। का है ना झगड़ा, दोस्तों का है, भाइयों के वैसे है, हर एक के घर में आना जाना है। ये पूछा जा रहा था वहां पे कि माफी चाहे नहीं चाहे, उन्हें कौन पूछने वाले, उन्हें खुदा है। मैं बोला मैं अल्लाह का बंदा हूँ, बोला माफी चाहा, बोला उनके घर वालों से, उनकी वालदा को, अपनी वालदा बोल के माफी चाहा, बोला मीडिया में है, बोला होम दो मीडिया में नहीं, तुम इनको क्लैरिटी मन्नान से पूछना कि तुम माफी चाहे नहीं चाहे, से भी घर को आके तुम लोग का केस कब से चल रहा, पुलिस एक्शन कहीं को नहीं ली, वो पुलिस का लुकआउट है, एक्शन कहीं को नहीं ली, मतलब कोई झगड़ा ही नहीं है, भाई लड़ लिया तो केस बुक करे तो पुलिस इंटरफियरेंस होती नहीं, होती पुलिस इंटरफियरेंस पार्टी की तरफ से कंप्लेंट जा रहा तो पुलिस एक्शन लेंगे, कोई कंप्लेंट ही नहीं है किसी का भी, ये बेहुदापन है। सब अभी क्या केस बुक करे, सोमोटो बुक करे, सोमोटो बुक करे, क्या लगा दिए पेपर 96 कुछ करे दिए जो ना पेपर 387 बुक करे, वो नहीं दिए, नहीं नहीं काफी नोटिस नहीं दिए, अभी बोलो 41 सीआरपीसी भी हैंड ओवर नहीं करे, सीधा सीधा केस है, कुछ भी करने दो, हमको परवाह नहीं है, हम डरने वालों में से नहीं है, हम घबराने वालों में से नहीं है, इंशाल्लाह ताला हम फाइट करेंगे बराबर, अगर चाहे अगर जेल भी होती तो हम जेल काटने के वास्ते भी तैयार है। वो भी बोला मैं कुटासवास का जवान पूछा, गलती हुई उसका नुकसान है, तो मतलब हाँ गलती हुई उसकी माफी चाहा, बहुत देखे, मैं बहुत देखा ऐसे चीज़ा, नादिम हुआ, मतलब अगर जेल होती तो जेल को भी जाने राजी, अगर अल्लाह मियां मेरी किस्मत में जेल लिखा तो जेल को जाऊंगा जरूर, अल्लाह का बंदा हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, मेरे अम्मा बाप का एहतराम करता हूँ, कोई भाई उनका बाल मेरा कुछ नहीं उखाड़ ले सकता। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये बिल्कुल हमारे भाइयों का आपस का एक खानदान का मसला था, कोई मसला ही नहीं था, ना उन्होंने कंप्लेंट करे, ना हमारा बच्चा कंप्लेंट करा, किसी का कोई कंप्लेंट ही नहीं है, ये पुलिस की बदमाशी है, सोमोटो केस बुला के ये लोगों को केस बुक कर रहे हैं, हम ऐसे चीजों से डरने वाले नहीं है। मैं भी 50 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे मराहल से गुजरा, बहुत सारे मुश्किलात से गुजरा, मैं पुलिस की फितरत से अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ, पुलिस समझ रही है हमारे मेरे को कमजोर करेंगे, मेरे बच्चों के साथ ऐसा करके, मेरे खानदान मन्नान मेरे बच्चे के वैसा है, मन्नान के हाथ से मैं जितने मसाइल में बोला हूँ शायद मेरी जिंदगी मेरी औलाद के हाथ से नहीं बोला, मैं जितना बच्चों को चाहता हूँ उतना मन्नान को चाहा मैं हमेशा से, एक तमाशा बना के एक बेहूदापन करके पुलिस समझ रही के हम ऐसे चीजों से डरेंगे, हम फेस करेंगे, अदालत है, अदालत इंसाफ करेंगी, हम बराबर अदालत से पुलिस को और 10 केसेस बुक कर लें तो हमको उसकी परवाह नहीं है, हम डरने और घबराने वालों में से नहीं है, इंशाल्लाह ताला हम बराबर इसकी फाइट करेंगे, और बराबर जब ये केस खत्म होगा तो हम पुलिस के खिलाफ भी मैं एक्शन लूंगा। Thank you.